कुमार जी ने आज तक हासिल क्या किया है? जनता के स्नेह आशीर्वाद से विभिन्न पदों पर काम किया है, कभी अपने परिवारजनों को आगे नहीं बढ़ाया, न राजनीति में बढ़ाया, मुख्यमंत्री तो रहे ना सदा ना किसी के साथ भी रहे वो, तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलते रहते हैं सही जी। तो बिहार की राजनीति का इतिहास गवा रहा है ना सही जी। जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। अगर स्टैंड चेंज करने की बात होती है, हमने जब पहली बार गठबंधन से हम लोग अलग हुए थे 2015 में जनता ने मोहर लगाई, 2020 में जनता ने मोहर लगाई, 2019 में जो बानगी लिखी गई बिहार के अंदर 40 में से 39 सीटें, उसमें नीतीश कुमार जी का कितना अहम योगदान है भाजपा के हमारे साथी बता सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि सच्चे समाजवादी नीतीश कुमार है। मसला यही है ना कि नीतीश कुमार जी जब अलग हो जाते हैं तब यही लोग चिल्ला चिल्ला कर उनके खिलाफ बोलने लगते हैं। असल में सही जी, हम तो चाहते हैं कि ये अलायंस बनाकर ही चुनाव लड़े। अगर ये अलायंस बनाकर चुनाव लड़ेंगे ना तो हमारे लिए जीत का रास्ता और प्रशस्त हो जाएगा। अलायंस बनाकर चुनाव लड़ने का नाटक होगा और इंटरनली इनके कार्यकर्ता